नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसान सरकार से कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। आलम यह है कि ना ही सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसान बैकफुट पर आने को तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को कई बड़े नेता राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, लगभग पूरी पंजाबी इंडस्ट्री किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला रही है। हाल ही में दिलजीत ने मुखर होकर किसानों का समर्थन किया था। आंदोलन को लेकर तो दिलजीत कंगना से भिड़ने से भी पीछे नहीं हटे। दिलजीत ने लगभग 1 करोड़ रुपए किसानों के लिए दान भी दिए। इन सब के बीच अब फेमस पंजाबी सिंगर हरभजन मान और जेजी बी भी किसानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। टीकरी बॉर्डर पर ये दोनों ही सितारे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे और इस दौरान इन्होंने किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद की। हरभजन मान ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन किया। आपको बता दें, इससे पहले जेजी बी ने भी खुलकर किसानों के समर्थन के लिए ऐलान किया था। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जेजी बी ने कहा था कि मुझे इन किसानों को ठंड में बैठे देख बहुत दुख हुआ। मुझे रोना आया कि कैसे ये किसान कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। जेजी बी ने कहा, मैं भी पंजाब का सिंगर हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। सुनिए जेजी बी ने क्या कहा। आई थिंक देयर वाज नो वे आई कुडंट बी हियर बिकॉज़ आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस ऑफ दिस प्रोटेस्ट हैज बीन गोइंग ओवर फ्यू मंथ्स बैक इन पंजाब देन इज ऑब्वियसली केम टू हियर टू दिल्ली एंड आई यूज्ड टू वॉच द वीडियोस व्हेन आई वाज इन कनाडा And it used to make me cry, you know. These old generation, 80, 90 years, 70 years old, they're supposed to be home sitting with their grandkids, you know, enjoying the life. But no, they're sleeping on the street in this cold weather. You know, it's like, you know, I have to, being a celebrity, being a singer from Punjab, I have to convey a message. So I think that's why I came here. That's why I came the first time I came, I slept in the car actually, in here at Singh Bhara. I didn't, boys were telling me, let's go to a hotel. I goes, no, I don't want to stay in a hotel. I want to feel this, what they go through every day, you know? So I'm just glad that I got a chance to be part of this peaceful. तो सुना आपने, किसानों के लिए पूरी पंजाबी इंडस्ट्री एक साथ आगे आ रही है और आवाज बुलंद कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।